करने के संकेत दिए हैं। सुशीला देवी ने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि नोखा की जनता का भाव हमारी तरफ है, उसका मान सम्मान रखेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और किसानों के जाट नेताओं में सबसे बड़े सुमार रामेश्वर डूडी अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उसके बाद से लगातार गुड़गांव की वेदांता में भर्ती थे और अब दिल्ली के घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हालांकि इस तबीयत नासाज के बाद लगातार ये चर्चाएं थी कि आखिर विधानसभा चुनाव में नोखा से चुनाव कौन लड़ेगा। हालांकि इस बात को लेकर उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करता हूँ, समझता हूँ मैडम क्या कहेंगे। देखिए, आप लोग लगातार स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, रमेश डूडी जी आप ध्यान रख रहे हैं, अब जो बात ये आ रही थी कि नोखा से अब चुनाव कौन लड़ेगा, आपके नामों पर चर्चा हो रही है, आप किस तरह से देख रही हैं? जी, हम नोखा के जनता का भाव देख रहे हैं, उनका भाव बढ़िया है जी, और सब हमारी तरफ ही इशारा कर रहे हैं, और नोखा की जनता का हम भाव रखेंगे, उनका मान सम्मान रखेंगे, और कांग्रेस पार्टी अगर टिकट के लिए तैयार है, हम नोखा से चुनाव लड़ेंगे और जनता हमारे सब साथ है। आप खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं जी? अच्छा, अभी रामेश्वर डूडी जी की तबीयत की बात करें, किस तरह की स्थिति है, आप लगातार उनका ध्यान भी रख रही थी, अभी कैसी स्थिति है? जी, हम अभी 5-7 दिन पहले ही आए थे, 4-5 दिन पहले, उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है, काफ़ी पैर भी अपनी तरफ से उठा रहे हैं, बोलते हैं तो उनका रिस्पॉन्स भी वो ग्रैंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुशीला देवी, रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी, और निश्चित तौर पर कह रही है कि देखिए, अगर कांग्रेस टिकट देती है तो कहीं ना कहीं वो चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हालांकि मुलाकात रंधावा से भी हुई है, अशोक गहलोत से भी हुई है, और कह रही हैं कि जिस तरह से स्वास्थ्य लाभ रामेश्वर डूडी ले रहे हैं, नोखा की जनता की सेवा के लिए वो तैयार हैं। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास जी, मीडिया, बीकानेर। भीलवाड़ा शहर के पुर थाना इलाके में